अच्छा अच्छा इतनी जल्दी। हे गाइस देखो शाम की पूजा हो गई है। शाम का हो शाम के बज गए हैं 5:30 हो गया ऑलमोस्ट। और बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है। आज हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है। देखो मौसम कितना अच्छा, बादल में नहीं हुए, कितना अच्छा लग रहा है मौसम। हाँ चॉकलेट खा रहे लक्ष्य। तो अभी तो मैं लक्ष्य को लेके जा रही हूँ। अभी ये टाइम होता है ना लक्ष्य का खेलने का होता है, तो लक्ष्य को मैं नीचे पार्किंग एरिया में लेके जा रही हूँ। नीचे फुटबॉल वगैरह खेलेगा। देखो घर को प्लेग्राउंड बनाया हुआ है लक्ष्य ने। आई वहां लग जाएगी लक्ष्य मंदिर में, वहां जोत लगी होती है ना और ये फुटबॉल खेलता रहता है, तो वहां लगने लगने का डर रहता है। एक बार तो पूरा दूध का गिलास ही गिरा दिया था वहां पे, गिराया था ना। तो अब हमारा टाइम है नीचे जाने का। अब हम नीचे जाएंगे और कल इसके डैडी का बर्थडे है, तो आज हमने एक छोटी सी सरप्राइज केक पार्टी रखी है ना। रात के 12 बजे केक ही काट के खाएंगे। कोई तो जाएगी नहीं बाहर, तो जाएंगे नहीं, लेकिन वो भी कंडीशन ये है कि जब इसके डैडी आएंगे तभी उनका केक लेकर आएंगे हम, वो हम सरप्राइज ही रखेंगे। अभी उनका कंफर्म नहीं होता ना कि वो आएंगे या नहीं आएंगे आज, तो उनका फोन आएगा तो मम्मी मुझे कॉल कर देंगी, फिर मैं जाके लक्ष्य के साथ जाके केक लेकर आऊंगी। और फिर रात के बाद अभी हाँ अभी लेकर आना पड़ेगा और क्या। तो आज शाम के खाने में तो हमने कढ़ी बना दी है, कढ़ी बन गई है, बाद में हम चपाती बना देंगे रात को 12 बजे। तो यही प्लानिंग है कि रात के 12 बजे आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम रात के 12 बजे इसके डैडी का केक काट रहे हैं। लेकिन वो भी कंडीशन तब होगी जब डैडी आएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं आज रात के 12 बजे क्या एक्साइटेड रहता है, लक्ष्य कितनी देर तक चुप रहता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। क्योंकि लक्ष्य के पेट में कोई बात तो पचती रही है, वो किसी ना किसी वजह से अपने डैडी को बता तो जरूर देगा। देखते हैं लक्ष्य 12 बजे तक चुप रहता है, सरप्राइज देता है अपने डैडी को या नहीं। हाँ दोगे डैडी को सरप्राइज? हाँ रात के 12 बजे तक बताओगे तो नहीं ना। चलो देखते हैं। कल शाम को आएंगे, अदरवाइज कल शाम को भी उनका प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो इस बार का बर्थडे तो ऐसे ही तो लक्ष्य तो एक बार तो रोने को हो गया था कि केक क्यों नहीं लेने चल रहे हो, और फिर बहला फुसला के तो बच्चों को तो चिप्स या चॉकलेट्स वगैरह का वो दे दो, लालच दे दो, तो फिर अपने आप ही मान जाते हैं। फिर इनकी तो अपने दो चिप्स के पैकेट ले आया था, चॉकलेट घर में थी वो दे दी है, तो लक्ष्य तो अभी थोड़ा खुश है, अदरवाइज लक्ष्य का मूड तो खराब ही हो गया था। चलो आज के लिए तो हमें जो करना है, हम मम्मी को और हमें जो करना है वो तो हम करेंगे। कल हम मंदिर में दे आएंगे कुछ ना कुछ, और इसके डैडी के बर्थडे की खुशी में हलवा बना लेंगे तो वो दिखाएंगे। हाँ केक कैसे बनाए जब डैडी नहीं है तो चॉकलेट से। हाँ चॉकलेट से वो तो बना देंगे, जब डैडी घर होते तो बनाते ना। डैडी कर ले ना। हाँ इतनी सारी चॉकलेट लाएंगे। हाँ उसे केक बनाएंगे। ओके चलो कल की कल देखेंगे। और आज के ब्लॉग में हम आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला था बट हुआ नहीं। बाय बाय टाटा।
सबका मूड खराब हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग पसंद आया तो, छोटा सा ब्लॉग है, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ते रहो, जुड़ते रहो, फैमिली बड़ी करते रहो।